दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि इसराइल ने ईरान के ऊपर हमला किया था और उस हमले के बाद हिज़्बुल्लाह की भी बड़ी धमकी आ गई है। और ये आप देख सकते हैं हिज़्बुल्लाह की धमकी वाला वीडियो। और खबर ये है कि हिज़्बुल्लाह के जो सीनियर कमांडर मारे गए हैं जब इसराइल ने लेबनान की राजधानी बैरून पर हमला किया। जो ये सीनियर कमांडर मारे गए थे उनको लेकर अब हसन नसरुल्ला ने खुद बड़ी धमकी दी है। और हसन नसरुल्ला ने साफ कहा है कि हंस लो, क्योंकि तुम्हें अब पता नहीं है कि तुम्हारा अब बहुत बुरा वक्त आने वाला है। और यहाँ तक कि हिज़्बुल्लाह ने साफ कह दिया है कि बहुत सारे देशों ने हमसे रिक्वेस्ट की है कि आप पलटवार ना करना, लेकिन अब कहानी बदल चुकी है और अब नए दौर की जंग की शुरुआत होगी। यानी हिज़्बुल्लाह ने अब साफ कह दिया है कि और अब हम हमला करेंगे और इसराइल को ख़त्म करने की कोशिश करेंगे। और वहीं दूसरी तरफ अपने सीनियर कमांडर की मौत के नाम पर, सीनियर कमांडर की शहादत के बाद लगभग 60 से 70 रॉकेट इसराइल के ऊपर छोड़ दिए।